एक मनुष्य कुछ दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है और वापस 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आता है। यदि वह कुल यात्रा में 3.5 घंटे का समय लेता है तो कुल दूरी जो वह तय करता है वह कितनी? आपको एक बात बताया था कि अगर समय दे देगा तो कुछ भी पूछेगा, फॉर्मूला समय का लगेगा। कुल और योग का मतलब जोड़ना होता है, प्लस करना होता है, कमी अधिक अंतर वृद्धि का मतलब माइनस करना होता है। तो यहाँ से गया और जाके वापस आया, जाके वापस आने में उसको 3.5 घंटा लग रहा है, जाके वापस आने में उसको 3.5 घंटा लग रहा है। तो 3.5 घंटा लग रहा है तो 3.5 घंटा को कितना बोलते हैं? 7/2। और क्या है समय? क्या है समय? और आपको बताया है कि अगर समय देगा तो कुछ भी पूछेगा, फॉर्मूला किसका लगेगा? समय का। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चार्ज। तो देखिए, मान लेते हैं दूरी क्या रहा होगा, x किलोमीटर रहा होगा। तो x दूरी को 6 के हिसाब से गया और फिर इसी दूरी को 8 के हिसाब से वापस आ रहा है, या 8 के हिसाब से गया 6 के हिसाब से आया, इससे कोई मतलब नहीं। अच्छा, 8 के हिसाब से गया है और 6 के हिसाब से वापस आया। इस दूरी को 8 के हिसाब से गया है और 6 के हिसाब से वापस आया। जाने में कुछ टाइम लगा, आने में कुछ टाइम लगा, दोनों मिलाकर 3.5 घंटा लगा। कुल का मतलब बताया है जोड़। फिर ये भी बताया है कि अगर समय देगा तो कुछ भी पूछेगा, फॉर्मूला समय का लगेगा। समय बराबर दूरी बटा चार, दूरी बटा चार। सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए 24। देखिए 8 × 3 = 24, 3 × 3 x कर लीजिए, 6 × 4 = 24, 4 × 4 तो 4 × 7 लिख सकते हैं, है? 7x हो गया, 7 से 7 खत्म, 2 से 12 बार में x का वैल्यू 12। क्या मान के रखे थे? दूरी। दूरी कितना है? 12 किलोमीटर। दूरी कितना है? 12 किलोमीटर। सर इन सब 24 किलोमीटर दिया था। यहाँ से दो प्रकार के आंसर होंगे। पहला, अगर सिर्फ दूरी पूछेगा, सिर्फ दूरी, तो आंसर होगा 12 किलोमीटर। केवल दूरी पूछेगा तो ध्यान रख लीजिएगा, दूरी पूछेगा तो आंसर होगा 12 किलोमीटर। लेकिन अगर कुल दूरी पूछ लिया हो तो गया कितना है? 12, आया कितना है? 12, दोनों मिला के कितना होगा? तो ध्यान दे लीजिएगा, सिर्फ दूरी पूछा तो 12 किलोमीटर, कुल दूरी तय पूछा तो गया 12 था, आया 12 है, 12 × 2 = 24 किलोमीटर। एक लड़का 10 मीटर भागने में उतना ही समय लेता है जितना कि एक कार 25 मीटर चलने में लेती है। एक कार 1 किलोमीटर की दूरी जितने देर में तय करती है उतने ही देर में लड़का कितना दूर भाग कर जा पाएगा? कहना ये चाहता है कि जितने समय में कार 25 मीटर की दूरी तय करती है उतना ही समय में लड़का 10 मीटर की दूरी तय करता है। हम मान लेते हैं कि 1 सेकंड में भी ऐसा हो सकता है, 1 मिनट में भी ऐसा हो सकता है, 1 घंटा में भी ऐसा हो सकता है। टाइम तो बराबर है, जो टाइम लगना है वो दोनों को सेम लगना है। तो यहाँ पर उसने कहा, मान लेते हैं 1 मिनट में, हम ये मानते हैं कि 1 मिनट में जो कार है वो 25 मीटर दूरी जाती है, तो 1 मिनट में ही लड़का 10 मीटर दूरी जाएगा। कार 1 किलोमीटर तय करने में जितना भी टाइम लेगी उतना ही टाइम में ये कितना दूरी जा पाएगा? तो जब हमको पता है कि आप जो ये रेशियो लिखवा दिए वो टाइमिंग सेम का लिखवाए, आगे भी कह रहे हैं कि टाइम सेम लगना है, आगे भी टाइमिंग सेम लगना है, बस फर्क होगा कि ये कितना दूरी जाएगा। तो देखिए यहाँ भी दूरी में फर्क है, ये 25 मीटर तय करता है और ये 10 मीटर ही कर पा रहा है। इसको कितना तय करना है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर किसको बोलते हैं? 1000 मीटर को। क्यों कर रहा हूँ ऐसा? क्योंकि ये मीटर में है, ये मीटर में है, तो किलोमीटर को किलोमीटर में नहीं रख सकते, उसको मीटर में लेके जाना होगा। तो हम 25 मीटर तय कर रहे हैं और हमको तय करना है 1000 मीटर। तो 25 के हिसाब से 1000 मीटर कितना गुना है? 25 × 4 = 100।
40 गुना है, तो अगर ये 40 गुना है तो 1000 मीटर ये भी तय करेगा, तो ये भी कै गुना करना है, ये भी कै गुना होगा, तो 40 गुना ही होगा, तो 40 गुना होगा तो कितना हो जाएगा 400 मीटर। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जितने समय में कार 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर तय करेगी, उतने ही समय में ये लड़का 400 मीटर तय कर चुका होगा। तो रेशियो मेथड से बना देंगे फिर से, टाइमिंग सेम है, हम सेकेंड ले सकते हैं, मिनट ले सकते हैं, घंटा ले सकते हैं। हम मान लेते हैं कि एक मिनट में यह कार 25 मीटर जाती है, तो एक ही मिनट में यह लड़का 10 मीटर जाएगा। फिर आगे भी टाइमिंग सेम किया, ये बोल दिया कि जितने समय में कार 1 किलोमीटर दूरी जाएगी, उतना ही समय में यह लड़का कितना जा पाएगा, टाइमिंग सेम है। हम मान लेते हैं कि एक घंटा में इतना होगा या एक मिनट में होगा, तो हम ये देखेंगे कि इस दूरी के मुताबिक ये वाला जो दूरी है वो कितना गुना है, तो ये वाला दूरी हमारे पास 40 गुना है, तो ये भी दूरी 40 गुना ही तय कर पाएगा क्योंकि टाइमिंग सेम है। तो इसका 40 गुना करेंगे तो 400 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जितने समय में कार 1000 मीटर तय करेगी, उतने ही समय में यह लड़का 400 मीटर जा चुका होगा। सभी क्वेश्चन कंसेप्चुअल हैं और सभी क्वेश्चन ए ग्रेड के अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोहन साइकिल पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है, प्रत्येक 10 किलोमीटर की दूरी के बाद वह 20 मिनट आराम करता है, 40 किलोमीटर दूरी तय करने में पार करेगा, मतलब कितना टाइम लगेगा, ये बोलना चाहता हूँ। एक आदमी है जो साइकिल से जा रहा है, बाइक से जा रहा है, कार से जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो एक लिमिट तय करेगा कि इतना किलोमीटर चल लूँगा तो थोड़ा सा रेस्ट लेंगे। तो ये आदमी क्या किया है कि स्पीड इसका 8 है, इसको जाना है सिर्फ 40 किलोमीटर, लेकिन वो हर 10 किलोमीटर पर 20 मिनट का आराम करेगा। तो देखिए 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है, प्रत्येक 10 किलोमीटर के बाद वह 20 मिनट आराम करेगा, तो 40 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना टाइम लगेगा। अगर वो आराम नहीं करता तो उसको टाइम कितना लगता, समय बराबर दूरी बाटा चाल कितना है, 8 ना है और दूरी कितना है 40 से, तो इसको समय कितना लगता। ये बिना रुके जाता तब ऐसा होता, यानी वो कहीं भी नहीं रुकता, तो 8 के हिसाब से चल रहा था, 40 किलोमीटर चलने में 5 घंटा लेता, लेकिन उसका टाइमिंग है क्या कि वो हर 10 किलोमीटर पर 20 मिनट का रेस्ट लेगा। तो यहाँ से वो चलना शुरू किया है, गलती यहीं पर लोग कर देते हैं, इस बात को समझिएगा, एक जगह और गलत होने का चांस यहाँ होता है। यहाँ से वो चला है, ये 10 किलोमीटर गया, कितना आराम करेगा 20 मिनट आराम करेगा, फिर 10 किलोमीटर यहाँ से चलेगा, फिर कितना आराम करेगा 20 मिनट आराम करेगा, फिर यहाँ से 10 किलोमीटर चलेगा, फिर 20 मिनट का रेस्ट लेगा, फिर यहाँ से 10 किलोमीटर चलेगा। आप सुनिएगा, हमको चलवाना कितना है 40 किलोमीटर, ये चला है 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। अब यहाँ कुछ लोग क्या कर रहे होंगे कि सवाल के मुताबिक चलते हैं। सवाल में क्या बोला, तो सवाल में बोला कि 10 किलोमीटर पर वो 20 मिनट का रेस्ट लेगा, 20 मिनट लिया, 20 मिनट लिया, 20 मिनट लिया, कुछ लोग यहाँ भी कर रहे हैं, यूँ 20 मिनट पूरा दिए, और अगर 20 पूरा दिए तो कितना होगा 120 यानी 1 घंटा 20 मिनट, यानी 5 और 1 6 घंटा 20 मिनट। ऑप्शन में है 26 है कि नहीं है, 26 है, ये गलत है। अब सुनिए, मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है कि मैं हर 10 किलोमीटर पर 20 मिनट का रेस्ट लूंगा। यहाँ से चले हैं 10 किलोमीटर चले 20 मिनट का रेस्ट, फिर 10 चले 20 मिनट का रेस्ट, फिर 10 चले 20 मिनट का रेस्ट, फिर 10 चले तो पहुंच गए, पहुंच के भी रेस्ट करिएगा, ये उन्हें चलते आए हैं, हर 10 किलोमीटर पर रुके हैं,
तो घर में बाहरी हम बात 20 मिनट पहले रुक लेंगे तब अंदर आएंगे, ऐसा होगा नहीं। यहाँ आराम करना है, यहाँ आप पहुंच गए तो आप रुके कितना, 20 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब एक घंटा, तो एक घंटा यहाँ रुक के 5 घंटा होने लगता, तो 5 अभी 6 घंटा आपको लगेगा, 6 घंटा में आप सफर को तय कर लेंगे। आप ध्यान से, यहाँ आप पहुंच चुके हैं, यहाँ आप रेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप जहाँ जा रहे थे वहां पहुंच गए, पहुंचने के बाद रेस्ट नहीं होगा। एक ध्वनि, ध्वनि मतलब साउंड, 330 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। एक गरजने वाला बादल कितने किलोमीटर की दूरी पर है? यदि उसके गरजने की ध्वनि प्रकाश के 10 सेकंड बाद सुनाई देती है। अगर हम लॉजिक की बात करें तो लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है, साउंड का स्पीड कम होता है। आप यहाँ से, आप बादल गरजने के ठीक बाद, जैसे आप देखते हैं बारिश के मौसम में बादल गरजता है और लाइट पहले आ जाती है, तो आप लाइट को देख के आप घड़ी से दूरी भी डायरेक्ट देख सकते हैं कि मेरा जो बादल है वास्तविक में सच में कितना दूरी पर है, आप निकाल सकते हैं। क्योंकि इस सवाल में दिया हुआ है कि ध्वनि का स्पीड 330 मीटर प्रति सेकेंड है और वास्तव में ध्वनि का स्पीड 332 मीटर प्रति सेकेंड ही होता है, इसमें 330 दिया हुआ है तो हम 30 के हिसाब से बनाएंगे। लेकिन अगर सच में हम निकालना चाहते हैं कि मेरे ऊपर जो बादल है वो कितना दूरी है, तो साउंड का स्पीड 332 होता है और गरजने के ठीक, लाइट चमकने के ठीक बाद तुरंत देख लीजिएगा कि कितना समय लगा, आप डायरेक्ट निकाल लीजिएगा दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, तुरंत पता चल जाएगा कि कितना ऊपर मेरे बादल है। फिलहाल यहाँ सवाल में बोलता है कि साउंड का स्पीड 330 है और उस साउंड को मेरे तक आने में 10 सेकंड लगा, तो देख लेते हैं दूरी कितना है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, चाल कितना 330, समय कितना 10, टोटल कितना लगा 3300, क्या आया मीटर, 3300 मीटर, ऑप्शन में सब किलोमीटर में, ऑप्शन में किलोमीटर में। अब बताइए मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, कुछ चाल में ऐसा होता है, ये दूरी है, क्लियर रहिए पहले से। हाँ, चाल है या तो 5/18 या तो 18/5, चाल है, फिक्स रखिए, ये बन गया दूरी, दूरी। तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग होते हैं, तो आप 1000 से भाग मार दीजिए इसमें, 1000 से जैसे ही भाग मारेंगे दो जीरो तो खत्म, एक के बाद पॉइंट लगेगा, 3.3 किलोमीटर की दूरी पर है, ऑप्शन एकदम नजदीक है, हल्का भी गलती किए तो आंसर दूसरा हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया दूरी, हमने दूरी बराबर फॉर्मूला लगाया और दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, आया किसमें, मीटर में, क्यों, क्योंकि ये मीटर प्रति सेकेंड था, आंसर किसमें देता, मीटर में, समय किसमें मानता, सेकेंड में, आया किसमें, मीटर में, हमारे पास ऑप्शन क्या में है, किलोमीटर में। मीटर को 1000 से भाग देंगे क्योंकि 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, 1000 से जैसे ही भाग मारेंगे 3.3 किलोमीटर दूर पर बादल। एक वृत्ताकार बाग के चारों ओर जिसकी परिधि 1200 मीटर है, परिधि का मतलब बाहर बाहर, ए और बी 210 मीटर प्रति मिनट तथा 190 मीटर प्रति मिनट की गति से चक्कर लगाते हैं, यदि वे विपरीत दिशा में दौड़ेंगे तो कितने समय बाद आपस में मिलेंगे। देखिए ये रहा पार्क और इस पार्क की पूरी लंबाई 1200 मीटर पूरा। ये लोग क्या करने वाले हैं, मान लेते हैं एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी, एक इधर से दौड़ेगा और एक इधर से, और ऐसे आके कहीं भी मिलना। अगर मैं इस लाइन को, ये जो तार है गोल है ऐसे, अगर मैं ऐसे सीधा कर दूं तो ये ऐसे बन जाएगा और इसका नाम होगा ए और इसका नाम होगा बी, दोनों के बीच की दूरी 1200 मीटर, इसका स्पीड 210 और इसका स्पीड 100, दोनों में क्या फर्क है, कोई फर्क
अगर मैं गोल में दौड़ूं तो भी, विपरीती दौड़ना था, ऐसे रोड पर दौड़ूं तो भी, सेम विपरीती दौड़ना है, क्योंकि ये जो गोलाकार था चक्का, उसी चक्का जो चक्का जितना है जैसे 1200 मीटर है, उसी को मैं ऐसे तान करके सीधा कर दिया हूँ और कुछ नहीं किया। तो ये और ये में कोई फर्क नहीं है, और ये आप पीछे पढ़ लिए, यही आप पीछे पढ़े हैं, ये गोल करके दिया है और आपको मैंने सीधा रोड में दिखाया। तो आपको पता है कि जब हम विपरीत दिशा में एक दूसरे की तरफ पढ़ते हैं तो चाल क्या होता है? चाल क्या होता है? जुड़ जाता है। तो आपसे पूछा गया, आप तो बड़ा बड़ा सवाल बना है इसमें, तो सिर्फ इतना ही पूछा है कि कितने समय में वो मिलेंगे, मिलने का समय, बात है समय बराबर, समय बराबर दूरी बटा दूरी कितना है 1200 मीटर। विपरीत दिशा में चाल क्या होता है? जुड़ जाता है। 210 और 190 400 कई मिनट में मिलेंगे, 3 मिनट में एक दूसरे से मिल लेंगे, चाहे वो ब्रीता कार में इस टाइप से दौड़े या वही चीज रोड हो सीधा हो, दौड़ा तो विपरीत में ही है। अगर ब्रीत में दौड़ते तो ऐसे दौड़ते, यह सेम पॉइंट से शुरू करते, ये इधर दौड़ता और ये इधर दौड़ता, ऐसे कहीं बीच में मिलते कहीं भी। तो ये पूछा जा रहा है कि कितने समय बाद मिलेंगे, तो ऐसे दौड़े चाहे इस टाइप के दौड़े, बात तो एक ही है, बस हमें इतना मालूम है कि विपरीत दिशा में चाल को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। चाल को हमने जोड़ लिया, समय बराबर हुआ, मिलने का समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, 3 मिनट बाद यह एक दूसरे से मिल लेंगे। एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल को घटाकर 2/3 कर देता है, मतलब जो भी उसका स्पीड रहा होगा उसका 2/3 से जाता है। तो आपको समझाया हुआ है कि अगर आप अपना चाल को घटाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और आप अपना चाल को बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा। और चार चीज़ बताए हैं कि कमी, अधिक, अंतर, वृद्धि, सब का मतलब सिर्फ माइनस होता है। तो ये बोल रहा है कि एक आदमी अपनी सामान्य चाल को घटाकर 2/3 कर देता है तो उसे दी गई दूरी को तय करने में 1 घंटा अधिक लगता है। उसे अपनी सामान्य चाल से वही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? अगर आप गौर से देखेंगे तो इसका वास्तविक चाल नहीं पता है, दूरी आपको नहीं पता है। तो हम एक काम करते हैं, हम इसे दो तरीके से बनाएंगे। पहले बेसिक देख लीजिए कि बनेगा कैसे। हम मान लेते हैं कि इसका जो चाल रहा होगा वो एक्स रहा होगा, यही ना, तो दूरी कितना रहा होगा? मान लेते हैं वाई रहा होगा, वाई किलोमीटर रहा होगा, मीटर में भी कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने चाल मान लिया एक्स में, तो दूरी मान लिया वाई। अब हमने एक चीज और बताया है कि अगर समय दे देगा तो कुछ भी पूछेगा, फॉर्मूला सिर्फ समय का लगाएंगे। और ये बोलता है कि 1 घंटा अधिक लगता है तो समय ही है, तो समय ही, और समय बराबर होता है दूरी बटा चार, दूरी बटा चार, तो दूरी कितना है वाई, स्पीड कितना होना चाहिए एक्स, ये कुछ समय लगा। अब इसी दूरी को जो चाल था उसका 2/3 से जाना था, ये भी समय, समय बराबर लगा रहा हूँ क्योंकि समय देता है तो कुछ भी पूछता है समय का ही फॉर्मूला लगता है, समय का ही फॉर्मूला लगता है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। बोलता है कि अगर मैं इससे जाता हूँ ना, इससे मतलब जो भी स्पीड है उसका 2/3 करके जाता हूँ तो 1 घंटा अधिक लग जाता है। अधिक, कमी, अंतर, वृद्धि, सबका मतलब क्या? मैं इस चीज को बट्टा के नीचे बट्टा ले रहता है, क्या मैं इसको ऊपर कर सकता हूँ? इसको अगर मैंने 3 को ऊपर कर दिया तो यहाँ चल गया, यहाँ चला गया 3। अब सॉल्व कर लीजिए, एक्स और 2x का एलसीएम, 2x भाग देंगे 2 बार में, 2 ऊपर, 2 ऊपर माइनस, 2 से 2 भाग दे दिए, 1 बचा ऊपर में चला गया 3 बार। अब एक बात हम आपको समझाए थे कि जब कभी भी माइनस का चक्कर आएगा इस जगह पर आप छोटी संख्या रखेंगे, इस जगह पे छोटी संख्या, क्योंकि अगर आप छोटी संख्या यहाँ रखेंगे तो ही यहाँ बड़ा मान आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि सब कुछ तो ठीक है, ये केवल पलट जाएगा, तो वाई रहेगा, हमें इसका 2/3 से तय करना था,
इसी दूरी को हमें इससे तय करना था, ये तीन कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये रहा 3y। एलसीएम जब लेंगे तो वही आएगा 2x ही आएगा, भाग देंगे एक बार में, एक से ऊपर गुना करेंगे 3y, भाग देंगे x खत्म दो बचा, दो से ऊपर गुना करेंगे 2y, क्रॉस मल्टीप्लाई ये होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2x, 2x बराबर तीन में से दो गया y, ये होगा x को इधर भेज दीजिए, छोड़ दीजिए, दो को यहाँ भेजे तो y बटा में x, नीचे कुछ नहीं यानी 1, अब जो है वो मान लीजिए वही, तो ये y क्या था, दूरी थी, चाल क्या है, एक है, तो जो रेशियो में नियम कहता है कि जो जिसके सामने पड़ा ना वो उसका वैल्यू हो जाता है, तो आपका दूरी निकल गया 2 किलोमीटर, आपका वास्तविक चाल निकल गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोलता है कि अगर आप अपनी वास्तविक चाल से जाते तो कितना समय लगता है, तो देख लीजिए समय बराबर दूरी बटा चाल, का घंटा लगता 2 घंटा, कितना घंटा लगता 2 घंटा, एक बार फिर से क्योंकि यहाँ दोनों चीज आपको नहीं पता था, फिर से मान लेते हैं चाल इसका x होगा, दूरी मान लेते हैं y होगा। अब जब मैं अपना स्पीड कम कर देता हूँ यानी 2/3 करता हूँ तो 1 घंटा अधिक लगता है, समय देगा तो कुछ भी पूछे फॉर्मूला सिर्फ समय का लगाएंगे, और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, इसमें और इसमें कमी अधिक अंतर वृद्धि सब का मतलब माइनस, माइनस करते समय ध्यान रखना है कि इस जगह पर कोई छोटी संख्या नहीं, यहाँ पर जैसे ही मैंने रखा यहाँ पे बड़ा माना जाएगा, तो अब यहाँ पर जब हमने इसको सॉल्व किया तो आ गया ये x को नीचे भेज दिए, सामने जो पड़ा वो वैल्यू माना जाएगा, y के सामने 2 पड़ा, y क्या था दूरी, मान लिए दूरी 2 किलोमीटर आए, x के सामने 1 पड़ा, मान लिए चाल क्या था x था, तो हमारा दूरी था 2 किलोमीटर और चाल मेरा वास्तव में था 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम अपनी स्पीड से अगर हम जाते हैं, अपनी स्पीड से अगर हम जाते तो हमें कितना समय लगता, समय बराबर दूरी बटा चाल, हमको 2 घंटा लगता। अब हम जा रहे हैं 2/3 से और ये है चाल, ये क्या है चाल, 2/3 क्या है चाल, चाल का जो उल्टा होता है वो होता है समय, ध्यान रखिएगा काम आएगा, चाल का उल्टा क्या होता है समय, तो अगर चाल 2/3 है तो समय क्या हो जाएगा 3/2, और जब आप परसेंटेज पढ़े होंगे या सीआई पढ़े होंगे चक्रवृद्धि ब्याज, और अगर नहीं पढ़े होंगे तो सुन लीजिए, तब बताया गया होगा कि नीचे वाला जो वैल्यू होता है वो वास्तविक होता है और ऊपर वाला या तो बढ़ा हुआ वैल्यू रहता है या तो घटा हुआ वैल्यू रहता है, नीचे वाला होता है वास्तविक, ऊपर में ज्यादा है तो बढ़ा रहेगा और कम है तो घटा रहेगा, लेकिन नीचे वाला होगा वास्तविक, दोनों में काम आएगा वास्तविक नीचे वाला, यानी कहने का मतलब है कि अगर मैं समय न दिया है कि 1 घंटा ज्यादा लगता है, समय क्या दिया है 1 घंटा ज्यादा लगता है, तो समय अगर 1 घंटा ज्यादा लगता है तो हम ये समझेंगे कि अगर मैं अपनी स्पीड से जाता हूँ, अगर मैं अपनी वास्तविक स्पीड से जाता हूँ तो मुझे 2 घंटा लगना चाहिए था, ये टाइमिंग न है, टाइम की ही बात कर रहे हैं, अगर मैं अपनी वास्तविक स्पीड से जाऊंगा तो 2 घंटा लगेगा, स्पीड कम करके जाऊंगा तो 1 घंटा ज्यादा लगेगा, यानी 2 घंटा लगना चाहिए 3 घंटा, और यही ना बोला है कि 1 घंटा ज्यादा लगता था, तो इसका मतलब वास्तव में हमको कितना टाइम लगता था 2 घंटा लगना चाहिए था, वास्तव में कितना लगना चाहिए था 2 घंटा, और अगर मैं घटा के जाऊंगा तो 1 घंटा ज्यादा लग रहा है यानी 2 घंटा लगना चाहिए था 3 घंटा, तो आपसे यही पूछा है कि वास्तव में कितना लगेगा, तो आपको 2 घंटा लगेगा। इसमें क्या चीज था, केवल सिर्फ एक चीज था कि समय का उल्टा चाल का उल्टा समय और समय का उल्टा चाल, फिर से देखिए 2/3 से जा रहा हूं ये चाल है, पलट देंगे समय बन जाएगा, नीचे वाला वास्तविक होता है, नीचे वाला क्या होता है वास्तविक होता है, ऊपर वाला या तो बढ़ा या तो घटा रहेगा, यानी वास्तविक के हिसाब से भी अगर हम चलेंगे तो ये वाला देखिएगा वास्तविक चाल, ये तो चाल है ना, वास्तविक चाल ऐसे ही मान लेते हैं 3 किलोमीटर प्रति घंटा था, घटा के गया तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रहा था,
दो किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रहा था। जब मैंने इसको पलट दिया तो ये बन गया समय, और नीचे वाला होता है समय वास्तविक, वास्तविक होता है, यानी वास्तविक के हिसाब से ये दो घंटा में पहुंचना चाहिए था और एक घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है, तो अब कितना लग रहा है, तीन घंटा। तो आपसे यही पूछा है कि अगर वो अपना स्पीड से जाता तो उसे कितने समय लगते, तो उसे दो घंटे का समय लगता। और भी बहुत सारे तरीके हैं, इनका जब आप एलसीएम लेंगे ना तो आ जाएगा दूरी। और भी बहुत सारे तरीके हैं, मान लेते हैं इनका एलसीएम अगर हमने ले लिया तो 6 किलोमीटर आ गया। अब यहाँ पर क्या है कि ये चाल है, ये चाल, तो ये वाला चाल है वास्तविक, नीचे वाला कैल्शियम लिए, किसका लिए, तीन और दो का, ये हो गया। और तरीका बता देता हूँ, तो नीचे वाला कैल्शियम लेने पर जब आप ये पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, तो वहां पर बताया जाएगा कि जब भी फ्रैक्शन में कोई चीज दिया रहेगा तो नीचे वाला कैल्शियम लीजिएगा। तो तीन और दो का जब मैं एलसीएम लूंगा ना तो आएगा 6 और ई कहलाएगा 2, और इसका मतलब हम हो गया कि दूरी हमको 6 में जाना, दूरी कितना जाना है 6, नीचे क्या होता है वास्तविक, नीचे क्या होता है वास्तविक, ऊपर क्या होता है बढ़ा या घटा, ज्यादा है तो बढ़ा के गया होगा और कम है तो घटा के गया होगा। यानी वास्तव में इसको 3 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाना था, लेकिन वो घटा के गया तो कैसे गया था, 2 के हिसाब से। जाना कितना दूरी है 6 किलोमीटर, अगर वो अपनी वास्तविक चाल से जाता तो कितना समय लगता, तो समय बराबर, दूरी कितना है 6 किलोमीटर, वास्तविक चाल कितना है 3, कै घंटा लगेगा 2 घंटा, कैसे बनाइएगा आंसर, कितना है 2 घंटा।